श्री अरुणा संगम तीर्थ की महिमा महाभारत वामन पुराण गरुड़ पुराण ब्रह्मा वेद पुराण स्कंद पुराण पद्म पुराण आदि ग्रंथों में वर्णित है। तीर्थ का नाम अरुणा संगम क्यों पड़ा? यहाँ भगवान शिव की स्थापना क्यों हुई? वहाँ की गई भक्ति से किस किस का उद्धार आदि बातों का स्पष्ट वर्णन महाभारत में वर्ण पर अब वह शल्य पर्व में मिलता है। तीर्थ का नाम अरुणा संगम पढ़ने की कथा महाभारत में इस प्रकार है। धर्मात्मा बल की तीर्थ यात्रा के प्रसंग में सरस्वती उपाख्यान के अंतर्गत जनमेजय जी वशंपायन जी से प्रश्न पूछते हैं कि हे प्रभु, वशिष्ठापवाह तीर्थ में सरस्वती के जल को भयंकर वेग कैसे हुआ? उन्होंने सरस्वती का इसका वर्णन पूछते हुए कहा कि कल्याणी, तुम्हारा यह भाग रक्त क्यों बहा रहा है? हम इसके सुधार का कोई उपाय सोचेंगे। तब सरस्वती ने बड़ी दीनता से वह वृतांत सुनाया, जिसे सुनकर मुनियों ने कहा, देवी, हम तेरे कल्याण का पूर्ण प्रयत्न करेंगे। उन्होंने आपस में विचार विमर्श करके यह निर्णय लिया कि इस भयंकर शाप से मुक्ति दिलाने के लिए हमें देवाधिदेव भगवान विश्वनाथ महादेव की स्थापना की आराधना करनी चाहिए। मुनियों ने तब उपवास व यज्ञ आदि कठोर साधनाओं के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न किया। जब महादेव का ये शिवलिंग रूप धरती में लुप्त हो गया, उस समय यहाँ वट वृक्ष के पास, जिसमें कुछ महा थे, यहाँ गणगिरी नाम के महात्मा जी अपने दो शिष्यों सहित डेरे में रहते थे। महात्मा गणेश गिरी, जो बड़े ही तपस्वी एवं धर्मात्मा थे, यहाँ खेती व पशुपालन से अपना जीवन निर्वाह करते थे। एक बार गणेश गिरी जी को प्रेरणा हुई कि यहाँ तो किसी शक्ति का वास है, इसलिए इसको जानने की उनमें जिज्ञासा जाग उठी। उन्हें एक बार दीमक का ढेर दिखा और वे उसे अपने चिमटे से खोदने लगे। वहाँ तुरंत ही पत्थर की पिंडी दिखाई पड़ी। दीमक के ढेर में पिंडी देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने उसे खोदना शुरू किया। तब 18 दिन तक खुदाई का कार्य किया गया, किंतु जब पिंडी का अंत नहीं मिला तो थक कर वापस आ गए। शुद्ध हृदय के महात्मा भगवान के भक्त तो थे ही, स्वप्न में शिवजी ने स्पष्ट प्रेरणा दी कि मैं आज का पत्थर नहीं हूँ, मुझे असंख्य मुनियों व राजाओं की भक्ति प्राप्त हुई है, मैं अनादि अखंड अनंत शिव हूँ, मुझे उखाड़ने का असफल प्रयास मत करो, बल्कि मेरे स्थान का उद्धार कर के यहाँ भक्ति कर जीवन सफल बनाओ। तत्पश्चात महात्मा गणेश गिरी ने वहाँ मंदिर की स्थापना की और भगवान शिव की आराधना करने लगे। जैसे जैसे लोगों में इस बात का पता चला तो लोग भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आने लगे। इसके बाद यह मंदिर पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी दारागंज इलाहाबाद के अंतर्गत आ गया और आज उन्हीं के संरक्षण में मंदिर की देखरेख की व्यवस्था चल रही है। मंदिर में हर महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी में विशाल मेले का आयोजन किया जाता है और साल में एक बार शिवरात्रि के दिन विशाल मेले का आयोजन भी होता है। बताएंगे मंदिर के बारे में। मंदिर संगमेश्वर महादेव इसको कहते हैं, बहुत प्राचीन मंदिर है। ये महाभारत पेड़ के लोग कहते हैं यहाँ का ये मंदिर बना हुआ है। बोले कौरव पांडव भी यहाँ के लोगों ने यहाँ पूजा किया है। आज भी तीर्थ स्थान है, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और हर त्रयोदशी को मेला भी यहाँ लगता है, शिवरात्रि का बड़ा मेला लगता है और ये श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के अंतर्गत है। हम देवता तापक यहाँ का श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी है, हम लोग तो कार्य करता है और यहाँ के संस्था का पूरा कारोबार इलाहाबाद से ही चलता है। इलाहाबाद में महानिर्वाणी अखाड़े की बड़ी हेड ऑफिस है, वहाँ से सारा कारोबार होता है जी। और अपने यहाँ सेवा पूजा करने का है और लोग आते हैं बहुत दूर दूर से, यहाँ लंगर भी चलता रहता है 24 घंटों, चाय का कोई भी भगत आएगा निःशुल्क यहाँ रहने की व्यवस्था भी है जी। क्या बोले सारे बने हुए हैं और हम तो अभी अखाड़े की स्थापना किया हुआ, हमारा नाम महंत विश्वनाथ गिर जी है जी। बोल श्री संगमेश्वर महादेव की जय। यह एक ऐतिहासिक एवं पौराणिक भगवान शिव का मंदिर है।
सतयुग के अंदर यहाँ पे विश्वामित्र जी, और विश्वामित्र जी ने जो है पूजा अर्चना की थी, जिससे कि यहाँ पे भगवान शिव शंभुलिंग में उपस्थित हुए। अरुणा, वरुणा और सरस्वती का संगम होने के कारण इसका नाम संगमेश्वर रखा गया। उसके बाद में जो है ये विलुप्त हो गए थे, तो उसके बाद हमारे यहाँ एक में जैसे आम गांव में होता है मंदिर, ऐसे भगवान शिव का पीछे एक मंदिर था, तो वहाँ अपने महात्मा रहते थे। उस महात्मा को एक दिन रात को स्वप्न आया कि आप यहाँ की बजाय, जंगल था ये पूरा रूप से, कि यहाँ से थोड़ी दूर जाओ आप 200 मीटर दूर, और वहाँ पे मिट्टी की बॉम्बी बनी हुई है जैसा कि आम रूटीन में जंगलों में होती है, तो वहाँ पे खुदाई करो, वहाँ मैं स्वंभू लिंग में उपस्थित हूँ। तो उसने गांव वालों को बताया, कुछ चरवाहे वगैरह थे जो वहाँ पे पशु वगैरह चुराते थे, उनको बताया, वो सारे यहाँ पे आए मिलके, तो उन्होंने यहाँ की खुदाई की। खुदाई करने के बाद 5-6 फुट खोदने के बाद यहाँ पे शिवलिंग निकला, तो फिर सारे गांव में हल्ला मच गया, सारे गांव वाले इकट्ठे होके आए, यहाँ की खुदाई की। 18 दिन तक यहाँ की खुदाई चली। इसको शिवलिंग को जितना नीचे खोदते गए, इसका बेस बढ़ता जा रहा है, जैसे अभी यहाँ इतना है, तो इसको जितना आप खुदाई करोगे इसका बेस बढ़ता जा रहा है। तो भगवान शिव ने फिर इसको बाद में महात्मा जी को दर्शन दिए कि महात्मा जी इसका कोई अंत नहीं है, जहाँ मैं हूँ वहीं आप एज इट इज रहने दो और यही मंदिर आप बनाओ। फिर उन्होंने गाँव वालों को बताया, 18 दिन के बाद इसकी खुदाई का कार्य पूर्ण बंद कर दिया गया, और फिर उसके बाद यहाँ पे छोटा सा भगवान शिव का मंदिर बन गया। उसके बाद ये श्री पंचायती अखाड़ा महेंद्रवाणी दारागंज इलाहाबाद के अंतर्गत आया, और आज उन्हीं की मैनेजमेंट के, उनकी देख रेख की व्यवस्था के रूप में आज श्री पंचायती अखाड़ा महेंद्रवाणी के महंत रविंद्रपुर जी जो सचिव हैं इसके अखाड़े के, उनकी अध्यक्षता में यह मंदिर चलता है। हर महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को यहाँ पे भक्तों के द्वारा भीड़ लगती है, जिसमें कि लाइनों में दर्शन होते हैं। भक्तों के कथनों के अनुसार यहाँ पे जो भी मन्नत मांगी जाती है वो उन सब की पूर्ण होती है, ऐसा भक्तों का कहना है। भगवान शिव शंभुलिंग में उपस्थित है, और हर महीने यहाँ मेला लगता है। यहाँ संगमेश्वर सेवा दल है जो कि हर महीने में इसकी मंदिर की व्यवस्था पूर्ण रूप से देखता है, मेले की व्यवस्था देखता है, और श्री पंचायती अखाड़ा महेंद्रवाणी के अंतर्गत यह मंदिर चलता है। इसके मंदिर के 2 स्कूल हैं, बाबा सरनाथ स्कूल है, और ये एक यहाँ गांव के अंदर स्कूल है, उनकी पूर्ण व्यवस्था मंदिर देखता है। अस्पताल है, गरीब कन्याओं की शादियाँ हर सावन में और महाशिवरात्रि पे मंदिर की ओर से की जाती है। बाकी धार्मिक कार्य चलते रहते हैं। हर महीने एक गांव के अंदर मंदिर कैंप लगाता है, जिसमें कि कोई भी दवाई बीमारी सब कुछ फ्री होता है। यह सब संस्थाएं हैं, संगमेश्वर सेवा दल है, संगमेश्वर पंचायती अखाड़ा महेंद्रवाणी के अंतर्गत यह मंदिर चलता है। आपका परिचय? मैं यहाँ पे सेवा दल का प्रबंधक हूँ, और मंदिर की मैनेजमेंट देखता हूँ, एक सेवक के रूप में कार्य करता हूँ जी। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।